सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको टॉडलर के लिए कौन से मतलब एक्टिविटीज़ या फिर कौन सी सी चीज़ लेनी चाहिए जो इस टाइम घर पे बच्चे आराम से कर सकते हैं और वो बोर भी नहीं होंगे। ऑब्वियसली एक चीज़ से तो कभी भी बच्चे बहुत देर तक नहीं खेलते हैं, लेकिन आप इस जो डॉडल गेम है आप इसको ज़रूर परचेज़ करिए बच्चे के लिए। एक्चुअली इसमें लिखा तो एज 3+ है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल के बच्चे के लिए भी परफेक्ट गिफ्ट होगा। सो मैंने लिया था अमेज़ॉन से और इसमें लिखा है हाउ टू री डूडल। इसमें क्या है कि आपको एक पिलो कवर मिलेगा, दो। उसमें क्या होगा कि आप पेन से स्केच पेन मिलेगा जो कि वॉशेबल होगा, उससे आप आराम से कलर कर सकते हैं, बच्चे कलर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आप इसको ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें टोटल 1 2 3 आई थिंक 6 कलर मिले हैं टोटल, और ये नॉन टॉक्सिक कलर है। ऑब्वियसली बच्चे मुंह में भी डाल लेते हैं तो इतना कुछ दिक्कत नहीं, और ये वॉशेबल कलर है, वॉशेबल इंक मार्कर है ये, और ये बहुत ही अच्छा है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करा था बेबी ने मेरे, मतलब मैंने ही थोड़ा बहुत करा था, उसने तो इतना नहीं करा फर्स्ट टाइम में, तो मुझे ऐसा लगा था कि इसका कलर नहीं जाएगा। तो मैंने इसको जो वॉश करा था वो मैंने वेनिस से वॉश करा है, तो उसका डिटेल इस वीडियो में भी आपको मैं डेमो करके दिखाऊंगी। सो आप देख सकते हैं इस तरीके की पैकेजिंग आई थी। आपको दो पिलो कवर मिलेंगे जो कि मैंने म्यूज़िकल थीम बेस पे पिलो कवर लिया था, आप किसी और बेस पर भी ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन से मैंने लिया था। तो 300 समथिंग का कुछ पड़ा था, याद नहीं है। बस आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पे और जो उनकी स्टिचिंग है वो निकल रही थी, लेकिन फिर मैं सोची थी कि इसको वापस करूँ या नहीं करूँ। तो अगर इसका कलर नहीं निकलता, मतलब वॉशेबल नहीं होता, तो मैं भी शायद इसे रिटर्न कर देती, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस इज़ वॉशेबल। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको प्रिंट दिखा रही थी कि किस तरीके का प्रिंट है, प्रिंट भी बहुत अच्छा है। देखिए छोटे बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे इतना कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगा कि कुछ समझ तो आता नहीं है, बच्चे बस खेलते ही खेलते हैं 2 साल के बच्चे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा कि इसमें ना बच्चे कितना भी कलर लगा दे, कुछ किसी किसी भी लेवल पे कलर लगा दे। तो मैंने दो जो पिलोज़ मेरे पास ऑलरेडी थे मैंने उसमें इसको मतलब अच्छे से लगा दिया था। तो दो, या तो आप हार्ड पिलोज़ भी ले सकते हैं या फिर जो नॉर्मल पिलो आपके घर पे आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली इसको ट्राई ज़रूर करिए। तो देख सकते हैं इसमें स्केच पेन बहुत अच्छे अच्छे कलर इसमें डिफरेंट कलर्स के हैं। तो 6 है, आई थिंक 6 या 5 है, मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो मैं स्कोप को करके दिखा रही थी डॉडल, तो डॉडलिंग इतनी तो मुझे पता नहीं थी, लेकिन मुझे बच्चे की चीज़ क्योंकि इसको इस साथ मैं अपनी बेबी के साथ कुछ भी सब खिलौने विलौने दे दूँ, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मैं चाहती थी कि ऐसे कोई चीज़ ले जिससे वो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके अंदर आए। तो देख सकते हैं कि मैंने ही कुछ स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि देख सकते हैं कि मैंने खुद से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बच्चे तो अपना जब करते रहेंगे तब करते रहेंगे, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली डेमो दिखाना होता है, तो मुझे भी कलर बताना भी बहुत ज़रूरी था कि उसका कलर की क्वालिटी कैसी है और कैसी नहीं है। तो कलर की क्वालिटी उसकी बहुत ही अच्छी है, जहाँ तक मुझे समझ, आप देख सकते हैं कि प्रिंट्स और कलर बहुत ही ब्राइट कलर है जो कि बच्चों को बहुत अच्छे देते हैं। बस मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि जब भी आप बच्चों को दें कलर, तो आप एक साथ 5 या 6 के जितने भी कलर है आप एक साथ बच्चों को यूज़ करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि मेरी बेबी भी छोटी है, तो वो क्या कर रही है कि जो उसका कैप होता है उसे खोल के छोड़ देती है। तो मुझे ये नहीं पता कि जो उसके इंक है वो बाहर ऐसे ओपन होने से मे भी शायद उड़ भी सकते हैं, कुछ इंक ऐसे भी होते हैं, तो मुझे इसका इतना नहीं पता। तो अब पहले तो मैंने उसे सारे दे दिए थे, तो उसका क्या सीन है, सारा एक साथ खोल के ही छोड़ देना। तो अब मैं उसे क्या कर रही हूँ, सिंगल सिंगल पेन दे देती हूँ जब मुझे लगता है, तो मैं अपने सामने ही करवाती हूँ, क्योंकि उसका क्या है कि मुँह में भी लगा लेती है। तो अब मुझे वैसे तो लिखा है नॉन टॉक्सिक है, लेकिन अब बच्चे के साथ जितना ज़्यादा इस तरीके की एक्टिविटी उनके उनको अपने सामने और साथ में बैठ के कराए तो ज़्यादा अच्छा है। सो मैं आपको सारे कलर्स दिखा रही हूँ, तो सारे कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ डाउन कलर्स है, इसमें बहुत ही ब्राइट कलर है जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था करने में, क्योंकि ऑब्वियसली बचपना तो लौट आता है बच्चों के साथ, तो आपको इस तरीके की चीज़ें रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि गेम्स में क्या होता है ना, बच्चे तो वैसे तो के पास है गेम, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था कि कुछ कलर तरीके की चीज़ें। अभी मैं उसके लिए और चीज़ें खरीदना स्टार्ट करूँगी, स्पेशली डॉडलिंग से रिलेटेड, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बच्चों की मोटर स्किल्स डेवलप होती है, और सबसे अच्छा वो होता है कि ना लिखना सीखते हैं इससे। ऑब्वियसली अभी तो एकदम से लिखना नहीं सीख लेगी, लेकिन धीरे धीरे पेन पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी तो आपको पता है कि लॉकडाउन है, स्कूल का कुछ पता नहीं है कब होगा कब क्या नहीं होगा, तो तब तक अपने ही घर में जितना हो सके बच्चों को स्क्रीन टाइम कम दीजिए, और इस तरीके की चीज़ें और एक्टिविटी करवाएंगे तो उनको बहुत ही अच्छा भी लगेगा,
और क्योंकि जब वैसे तो ये यूज़ नहीं करती ना, लेकिन जब मैं उसे लेके बैठ जाती हूँ ना तो उसे बहुत बुरा लग जाता है कि मेरी चीज़ कोई कैसे लेके बैठ गया, तो वो यूज़ करने लग जाती है। अदरवाइज़ देखिए, आप इसको दो तरीके से वॉश कर सकते हैं, या तो आप इसको बकेट वॉश कर सकते हैं, या तो आप इसे वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन मैंने बकेट वॉश करा था बिकॉज़ मुझे चाहिए था कि जो उसका कलर है बिल्कुल निकल जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि जो मशीन वॉश होता है उसमें निकलता है नहीं निकलता, क्योंकि मैंने किया नहीं है। मैंने जो आपको डेमो में भी दिखाऊंगी आगे, तो आप डेमो में वही दिखाऊंगी कि मैंने बकेट वॉश किया है और वैनिश यूज़ करा है, क्योंकि आई ट्रस्ट वैनिश सो मच, क्योंकि उसने हर बार जो भी कपड़े गंदे थे उसको बहुत बेहतरीन, आप देख सकते हैं कि लास्टली आपको दिखा दिया मैंने, ये था इस लेवल का गंदा मैंने कर दिया था। फर्स्ट ज़्यादा गंदा हुआ था, सेकेंड वाला उतना कम गंदा नहीं हुआ था, तो फिर मुझे तब भी इसको डेमो देना था, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है ये लेवल भी ठीक है गंदगी का, इतना ही बच्चे डॉडल करेंगे या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बकेट लेना है, उसमें पानी डाल देना है, पानी इतना डालिए कि जो भी कपड़ा है उसमें वो थोड़ा सा भीग जाए, अंदर चला जाए, थोड़ा सा मतलब इतना कम नहीं होना चाहिए पानी। तो देख सकते हैं कि मैंने 1 स्पून, फुल 1 स्पून मैंने वैनिश डाल दिया है, और लिटरली इस आई ट्रस्ट वैनिश सो मच, क्योंकि उसने बहुत ही ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी निकाल दिए हैं। तो बस मैंने इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ दिया था। आप इसको जितने ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे ना वो उतने अच्छे से वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं हाफ एन आवर के बाद मैंने इसको ओपन करके थोड़े सॉरी निकाल के देखा, तो निकाल के देखने के बाद आप देख सकते हैं सारे कलर इसमें से निकल गया है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे जितने बार भी करेंगे आपको कोई टेंशन ही नहीं, आपको उठाना है, ये दूसरा वाला है, तो फर्स्ट मैंने आपको दिखा दी ये वॉश हो गया, और जो सेकंड है वो वॉश नहीं होता। तो जो सेम बकेट है ना, और गंदा थोड़ा सा हो रखा था पानी, तो मैंने कहा कि क्यों वेस्ट करना, ट्राई कर रही थी मैं, अगर इसमें नहीं साफ होता तो मे बी मैं मशीन वॉश करती, क्योंकि उस टाइम मशीन लगा रखी थी मैंने, तो बकेट में मैंने डाल दिया ट्राई फॉर द ट्राई, और बकेट में भी बहुत अच्छे से उसने वॉश कर दिया था। हाफ एन आवर या 20-25 मिनट्स के लिए रखा होगा मैंने, याद नहीं। तो सेकंड वाले को भी मैंने शायद 25 मिनट्स के लिए रखा था। तो आप देख सकते हैं कि अब तो बहुत ही मतलब जो पानी बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि दो इसने एक साथ साफ़ किए थे, तो आप देख सकते हैं कि दो बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ़ हो चुके हैं, दोनों पिलो कवर है। आप ऐसा नहीं कि एक दिखा रही हूँ मैं, दोनों को दिखा रही हूँ। तो डेफिनेटली ट्राई है, आप बच्चों को ज़रूर खरीदिए इस लॉकडाउन, क्योंकि देखिए अभी ना लॉकडाउन के टाइम में भी अमेज़ॉन इसकी डिलीवरी कर रहे हैं। सो ये वीडियो है मेरी बेबी का करते हुए दे, तो देख सकते हैं बच्चे कैसे डॉडलिंग करते हैं, तो बच्चों का तो आपको पता है ना किस तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि वो कितना भी गंदा कर ले, लेकिन लास्ट में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो आई रियली होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो। सो मैं जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली डाल दूंगी। सो थैंक यू सो मच।